आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे प्लीटेड सर्कुलर स्कर्ट की स्टिचिंग। स्कर्ट की मार्किंग और कटिंग की वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले सेट की हुई प्लीट के ऊपर सीम लगा लीजिए और फिर चाहो तो कच्ची सिलाई खोल सकते हो। लाइनिंग की एक साइड की सीम लगा लीजिए। लाइनिंग की वेस्ट को स्कर्ट की वेस्ट के साथ सिल लीजिए। अब लाइनिंग की साइड सीम को सिल लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर लगभग 6 इंच छोड़कर सिलाई लगेगी। ऊपर स्कर्ट की लेफ्ट साइड पर जिप लगती है, इसलिए हमने ये 6 इंच का गैप छोड़ा है। अब दिखाए गए तरीके अनुसार जिप लगा लीजिए। जिप को कवर करने के लिए 1.5 इंच फैब्रिक की पट्टी का इस्तेमाल करें।
अब हम स्कर्ट की बेल्ट बनाएंगे। डायग्राम में दिखाए गए फॉर्मूला से बुकरम पर बेल्ट की मार्किंग कर लीजिए। और कटिंग कर लीजिए। इसको थोड़ा और कर्व देने के लिए सेंटर से काटकर थोड़ा कर्व शेप बनाते हुए दोबारा पेस्ट कर लीजिए। अब हम इसे फैब्रिक पर प्लेस करेंगे। फैब्रिक साइड को फोल्ड करके हीट सेट कर लीजिए। बेल्ट को फैब्रिक की एक और लेयर पर प्लेस करके कट कर लीजिए। अब इन दोनों लेयर्स को साथ में सिल लीजिए। कपड़े की लेयर से इस तरह बुकरम को छुपा लीजिए और इस पर टॉप सीम लगा लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके रिमूव कर लीजिएगा। बेल्ट को स्कर्ट के साथ सिलेंगे। बेल्ट का सिर्फ कपड़े वाला हिस्सा स्कर्ट की लाइनिंग वाली साइड पे सिलाई करके जोड़ा जाएगा। अब दूसरी साइड पर भी सीम लगा लीजिए।
अब हम बेल्ट पर हुक और आई लगाएंगे। लास्ट में स्कर्ट को नीचे से फोल्ड कर लीजिए। हमने यहाँ पे आपको एक छोटी लेंथ की स्कर्ट बनानी बताई है। एक लंबी स्कर्ट के लिए भी आप सेम पैटर्न और सेम तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। याद से हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।